इज मोनिका भारती। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से गुजिया बना रही हूँ। गुजिया बहुत ही इजी है। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट गुजिया बनाने के लिए हमें जो गुजिया के अंदर हम स्टफिंग करेंगे उसके लिए हमें खोए को सबसे पहले भूनना है। गुजिया की डो की डो बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदा डालेंगे। मैदे में हम घी डालेंगे। इसको अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों हाथों से। घी हम इसलिए डालते हैं कि जो हमारी गुजिया है उसमें अच्छा खस्तापन आए और अच्छे सॉफ्ट। इस तरीके से हम रब करेंगे और हम इसको ऐसे मुट्ठी में लेंगे तो एक लड्डू की तरह बन जाता है, जैसे गुड साइन। अब इसमें हम ठंडा पानी लेंगे और ठंडा पानी मिक्स करेंगे। होती हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, लेकिन हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें मैं बारीक चीनी डालूंगी। और ये है कोकोनट पाउडर। और पिस्ता। और ये मैंने चॉप करके रखी है किशमिश और अजमेर, ये भी मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब बारी है हमारे डो की। ये है हमारा डो। अब बेलेंगे। इस पे हमें पानी और सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना।
कि मैंने लोइया बना लिए हैं। इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब इसको हम स्टफिंग करेंगे इस तरीके से। हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे जो अच्छे से हम इसको भर सके तरीके से। और फिर हम इसको अच्छे से दबाएंगे। प्रेस करेंगे बाकी का है एक्स्ट्रा, उसको इस तरीके से निकाल। तो हल्के से निकालेंगे। ये हम इस तरीके से इसको रखेंगे अच्छे से फैला के। फिर इसमें स्टफिंग करेंगे। मैं स्टफिंग कर रही हूँ। तो ये अच्छे से चिपक गए। कभी कभी क्या होता है कि हम फ्राई करते हैं और हमारी उंगलियां फूल जाती हैं, तो सारे ऑयल में स्टफिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम इसमें पानी लगा के इस तरीके से इसको अच्छे से दबा के चिपका देंगे। ये बहुत इजी होती है। और इस तरीके से हम अपने इसमें फिर से मैं स्टफिंग करूंगी। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हैं और हल्का हल्का पानी मैं इसके साइड में इस तरीके से लगा दूंगी। तो क्या होता है, हमारी जो भुजिया है वो अच्छे से चिपक जाती है पानी लगाने से। और इस तरीके से हम इसको टाइटली बंद कर देंगे। इस तरीके से टाइट बंद कर देंगे इसको, जो ये खुले ना, जो ये एक्स्ट्रा है इसको। अच्छी शेप आ रही है। अभी हमारी सारी भुजिया स्टफिंग हो चुकी है। अब एक एक करके मैं इन्हें फ्राई करूंगी। घी डाला है फ्राई पैन में, मैं घी में फ्राई कर रही हूँ इस तरीके से। चेक करेंगे, बहुत स्लो गैस पे रखेंगे तरीके से, यहाँ से वहां तक इसको आराम से धीरे से इस तरीके से डालते जाएंगे। अच्छा हो तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ देसी घी। इसको स्लो गैस पे ही हमें फ्राई करना है। ये घी में फ्राई कर रही हूँ मैं, और इसको हल्का ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन, ये मेरी गुजिया फ्राई हो रही है। देखिए गुजिया फ्राई हो रही है, ये गुजिया फ्राई हो चुकी है।
लाइट ब्राउन हो गए। अब इनको हम निकाल लेंगे एक एक करके। ये हमारी गुजिया तैयार है। अब हम बाकी की गुजिया रेडी हो गई है।